नीमच में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद नीमच जागरण मंच की एक बैठक सोमवार को गांधी वाटिका में आयोजित की गई। बैठक में सर्व समाज के प्रतिनिधि, नीमच जागरण मंच के सदस्य व जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नीमच जागरण मंच के डॉक्टर राजेंद्र एरन और जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष श्याम गुर्जर ने उपस्थित सदस्यों को मेडिकल कॉलेज खोले जाने की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाया। बैठक में नीमच को आम जनता के प्रयासों से मिली इस अभूतपूर्व सौगात पर जनता का शुक्रिया अदा करने हेतु जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आगामी 15 दिसंबर को करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सर्व समाज के पदाधिकारियों और नीमच जिले के विभिन्न संगठन प्रमुखों व जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का सम्मान स्थानीय भारत माता चौराहा पर किया जाना तय किया गया है। साथ ही इस दिन जिले भर के साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज मिलने की खुशी में आतिशबाजी की जाएगी। नीमच जागरण मंच के तहत सर्व समाज द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, ये जो सफल हुआ और नीमच को जो एक शासकीय मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ है, तो इस मेडिकल कॉलेज को कैसे स्थापित करना, इसके अंदर हमको क्या क्या योजनाएं लाना और इसको आगे कैसे बढ़ाना, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हुआ था। नीमच की जनता ने एक जो ऐतिहासिक जीत अपनी ताकत से ली है, तो इसके अंदर हमको इसको कैसे सेलिब्रेट करना, इसको हम कैसे इसका उत्सव मनाएं, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। और आगे हम इस मेडिकल कॉलेज और शहर के विकास के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर सबके राय ली गई और सर्वसहमति से इसके ऊपर जो भी निर्णय बनेंगे वो करेंगे। निश्चित रूप से सभी लोगों का आग्रह था कि इस मेडिकल कॉलेज आने के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई जो पर्दे के पीछे रही, उसके ऊपर भी कई चर्चाएं हुई। कई लोगों ने हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका भी हमने जिक्र किया, उनका भी हमने आभार माना। और निश्चित रूप से वॉइस ऑफ MP के लिए नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।